इस्तरार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल और स्वागत है आपका इस्तरार न्यूज चैनल में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस बात का ऐलान किया कि देश में प्रदूषणकारी वाहनों को बंद किया जाए। अब इसी को लेकर दिल्ली सरकार का कहना है कि फिटनेस के बेस पर गाड़ियों को बंद किया जाना चाहिए, ना कि उनके उम्र बेस पर। अब इसी को लेकर यहाँ मौजूद लोगों से जानते हैं कि इस पर उनकी क्या राय है। उनका जो भी ये नीति है ये ठीक है, इसके अंदर फिटनेस टेस्ट होना चाहिए। गाड़ी का 10 या 15 साल जो भी एक गवर्नमेंट की तरफ से टाइम मिला है, उतने टाइम के बाद एक फिटनेस टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद रिन्यू हो जाता है 5 साल का, जैसी मेरी नॉलेज है। तो 5 साल के बाद रिन्यू करा लो तो ठीक है वो चीज़, क्योंकि पॉल्यूशन भी कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि ज़्यादा अगर गाड़ी पुरानी हो जाती है तो ऑब्वियसली वो पॉल्यूशन ज़्यादा करती है, तो वो ठीक रहेगा हर चीज़। फिटनेस बेस पे होना चाहिए या उम्र बेस पे? एक एज है ना, 10 से 15 साल तो गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है, उसके बाद फिटनेस टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए, बाद में ही होता है वो तो वैसे भी। अभी भी नहीं, मैं तो देखो एक पॉइंट है उस पर, मेरा एक विचार है, पीएम हो या सीएम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी ने भी गाड़ी खरीदी है, बड़े मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके गाड़ी ली, गाड़ी लेने के बाद अगर वो 10 साल में कैंसिल कर देता है तो उसकी तो लागत भी नहीं निकलती। फिर उसको आज की डेट में जो हालत है लोगों की, उनके पास पैसा है नहीं, मार्केट में भी नहीं है इवन। तो ये है कि इनकी लाइफ ज़्यादा करनी चाहिए और भी, और दूसरा जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको प्रोत्साहन दे दे, क्योंकि वो आ जाएंगे धीरे धीरे करके, ये अपने आप आउट हो जाएंगे। चलने लायक है तो चलनी चाहिए गाड़ी, तो आई थिंक फिटनेस बेस्ड पे ही इसका रिजल्ट आना चाहिए। एज गैप नहीं, अगर किसी की गाड़ी खड़ी रहती है ज़्यादा नहीं चलती है बट फिटनेस वाइज ठीक है, वो जब ज़्यादा चली नहीं है तो ज़्यादा यूज़ नहीं हुई तो वो ख़राब कैसे होगी? फिटनेस बेस्ड for the safety of environment and for like public safety, right? That is the main reasons. तो कहीं ना कहीं यहाँ लोगों से हमने बातचीत की और उनका भी यही कहना है कि फिटनेस बेस पर गाड़ियों को बंद किया जाना चाहिए, ना कि एज बेस पर। क्योंकि अगर एज बेस पर गाड़ियाँ बंद की जाती हैं तो कई लोगों की गाड़ियाँ ऐसी हैं जो 10 से 15 साल चली भी नहीं है, और उसके बावजूद अगर उन गाड़ियों को बंद किया जाता है तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन आकाश के साथ मैं पायल गुड़ियाल, नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।